ओम शांति। बाबा ने हमें सुख भरा जीवन दिया है, हम परमात्मा प्यार को पाकर निहाल हो गए हैं, ईश्वरीय सुखों से तृप्त हो गए हैं। जन्म जन्म हमने भौतिक सुख प्राप्त किए, लेकिन अब ईश्वरीय सुख पाकर भौतिक सुखों की ओर से लगाव भी समाप्त होता जाता है। आइए हम सभी ईश्वरीय सुखों से अपनी झोली भरें। भगवान सुख बांट रहा है, भाग्य बांट रहा है, और हमें अपने को इन सुखों में इतना भरपूर करना है ताकि हम दृष्टि देकर ही दूसरों को सुखी कर सकें, उनके दुखों का निवारण कर सकें। तो इसके लिए ध्यान दें, हमारा चित्त परेशानियों में न रहता हो, मन पर कोई बोझ न छाया हुआ हो। विशेष रूप से जिस बात की हम बार बार याद दिलाते हैं, कईयों का पास्ट बड़ा कड़वा रहा है, अपनों ने धोखा दिया है, अपनों ने मिसबिहेव किया है, अपनों ने हार्ट को बहुत हर्ट किया है, अपनों से बड़ा कष्ट पहुंचा है, प्यार की बजाय नफरत मिली है, दी है अच्छाई मिली है बुराई, किसी को अपने प्रियजनों की अकाल मृत्यु देखनी पड़ी है, किसी को सभी छोड़ कर चले गए हैं। पास्ट के कारण कई आत्माएं वर्तमान ईश्वरीय सुखों से भी वंचित हो जाती हैं। नहीं, अब समझदार बने, आप अपने विवेक को जागृत करो, जो बीत गया वो अब नहीं आएगा। और ये बात बार बार याद करके अपने चित्त को शांत करो, जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके जिम्मेदार मेरे कर्म ही हैं। लेकिन इससे बहुत परेशान भी न हो जाएं कि मैंने इतने पाप क्यों किए, वो समय ऐसा था, किसी ने गलत संग में जाकर पाप किए, किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत पाप कर लिए, दूसरों को परेशान किया, किसी ने दूसरों को धोखा दिया, अपने बुरे व्यवहार से दूसरों को डिस्टर्ब किया, उनकी खुशी छीन ली, उनके तनाव को बढ़ा दिया, किसी ने हिंसाएं बहुत की, कोई मांस मदिरा का सेवन बहुत करते रहे, ये सब किया है। लेकिन अब समय पूरा हो गया, अब तो हमें ईश्वरीय पथ पर चलकर पास्ट को भुलाकर अपने को पूरी तरह ईश्वरीय सुखों में ले आना है। मन पर कोई बोझ भी नहीं रखना है, वर्तमान का बोझ भी नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह पक्की कर दें, इस समय हमारा खुदा दोस्त सर्वशक्तिवान हमें निरंतर मदद करने को तैयार है, हमें साथ दे रहा है। हम ये याद करें बार बार, स्वयं भगवान हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, इससे अनेक बोझ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि बाबा के साथ को भी भूल जाते हैं, तो उनकी मदद से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें, स्वयं भगवान हमें मदद कर रहे हैं, और बुद्धिमान वही है जो उसकी मदद का फायदा उठाए। जैसे लौकिक माँ बाप अपने बच्चों को निरंतर मदद करते हैं, लेकिन बच्चों को इसका आभास बहुत कम रहता है। माँ बाप बच्चों के लिए सर्वस्व बलिहार कर देते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को रियलाइज नहीं करते, और वो माँ बाप से सदा शिकायत ही करते रहते हैं, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वैसे ही हमारे माता पिता हमें निरंतर मदद करते हैं, हमें वरदान देते हैं, समय पर समस्याओं का हल टच कराते हैं, समय पर समस्याओं को समाधान करने का बल दे देते हैं, स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, अधिक से अधिक मदद उनकी मिल रही है। इसको प्राप्त करें और जीवन को परेशानियों में नहीं स्वमान में जिएं, सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दें, फील करें हजार भुजाओं सहित वो हमारे सिर पर छत्र छाया है। और
आज सारा दिन यही अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, वो खुदा दोस्त है, उसे बात करेंगे, फ्रेंडली बात करेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे और अनुभव करेंगे, वो हमारे सिर पर सदा ही छत्र छाया है। ओम शांति।